Hey friends, welcome to this new video. तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्रोम के कुछ अच्छे ट्रिक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ. पहला ट्रिक है क्रोम का हार्ड रीलोड और हार्ड रिफ्रेश. वो कैसे करते हैं? हार्ड रीलोड और हार्ड रिफ्रेश करने के लिए आपको पेज पे जाके प्रेस करना होगा कंट्रोल प्लस आर. देखिए ये रहा करंट पेज. इसमें क्या होता है कि आपका कैश से डेटा नहीं आता है बल्कि करंट डेटा आपका लोड होता है. इसके लिए आप एम्प्टी कैश करके भी रिफ्रेश कर सकते हैं. उसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट और आर. ये रहा हार्ड रीलोड और हार्ड रिफ्रेश. नेक्स्ट ट्रिक जो मैं आपको बताऊंगा वो है ओमनी बॉक्स सर्च. ये गूगल क्रोम में बिल्ट इन रहता है. क्या होता है ये वो देखिए. जैसे आप किसी भी वेबसाइट पे बिना गए हुए उस वेबसाइट के कंटेंट्स को सर्च कर सकते हैं. जैसे मैं यूट्यूब के कंटेंट को सर्च करना चाहता हूँ बिना यूट्यूब पे जाए हुए. देखिए क्या करना है. आप यहाँ पे YouTube लिखें और उसके बाद फिर टैब प्रेस कीजिए. फिर आपका ये शो करेगा ऐसा सर्च YouTube वीडियो सर्च. अब आप यहाँ पे कुछ भी वीडियो सर्च कर सकते हैं. मैं जैसे ये वीडियो सर्च कर रहा हूँ डायरेक्टली ये सर्च करके मुझे डेटा देगा. ये देखिए डायरेक्टली मुझे ये सर्च डेटा दिया. ये था आपका शॉर्टकट सर्च करने का बिना किसी वेबसाइट पे गए हुए. ऐसा नहीं कि सारे वेबसाइट पे काम करेगा. जिसमें ये ओमनी बॉक्स यूज़ किया गया होगा उसी में ये यूज़ कर सकते हैं आप. जैसे विकिपीडिया में भी आप ये यूज़ कर सकते हैं. फिर आपका एक शॉर्टकट है कि आप किसी एक पेज पे रहते हुए दूसरे पेज पे जाएं और करंट पेज में वो आपका पेज लोड ना हो. जैसे मैं अभी यूट्यूब पे हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा फेसबुक ओपन हो लेकिन दूसरे टैब में, और मैं लिखना भी चाहता हूँ URL इसी पेज में, तो वो कैसे होगा? जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया flipkart.com और मैं चाहता हूँ कि यहीं पे एंटर करके मैं दूसरे टैब में उसे ओपन करूँ, तो क्या करना है? अल्ट और एंटर प्रेस करना है. देखिए वो पेज मेरा वहीं पे ओपन रह गया और ये एक दूसरे पेज में जाके ओपन हुआ है. तो ये भी आप शॉर्टकट्स मैं डिस्क्रिप्शन में लिख भी दिया हूँ और यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा. फिर अगला ट्रिक है कि आप अगर एक्सीडेंटली अपना क्रोम का सारा पेजेस क्लोज कर दिए हैं तो उसे आप कैसे ओपन करें. तो दिखाता हूँ मैं पहले सारे पेजेस को क्लोज करके. ये सारा पेजेस मैंने अभी क्लोज कर दिया और अब मैं चाहता हूँ कि वो सारे पेजेस फिर से लोड हो जाएं. तो उसके लिए क्या करना होगा? आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल शिफ्ट एंड टी. देखिए कंट्रोल शिफ्ट टी मैं प्रेस कर रहा हूँ और वो सारे पेजेस लोड होते जा रहे हैं. ये रहा मेरा पेज, सारा पेज लोड हो चुका है. फिर अगला ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है आपका मल्टीपल टैब्स को आप कैसे ड्रैग कर सकते हैं. देखिए यहाँ जैसे हम सिंगल टैब को ड्रैग करना चाह रहे हैं और दूसरे विंडो में ओपन करना चाह रहे हैं, तो ऐसे डबल क्लिक करेंगे इस टैब पे और इसे ड्रैग करके ले आए दूसरे विंडो में, ये ओपन हो गया है. और अब मैं अगर चाहता हूँ कि ये एक टैब नहीं बल्कि मल्टीपल टैब्स ऐसे ही मैं ड्रैग कर पाऊँ तो कैसे होगा? उसके लिए आप कंट्रोल प्रेस किए रखना है कीबोर्ड पे और क्लिक करते रहना है उन टैब पे. देखिए मैंने इन तीनों टैब पे क्लिक किया है और अब मैं इसे ड्रैग करूँगा तो ये तीनों टैब ड्रैग होके एक नए विंडो में ओपन हो गया है. तो ये था एक अच्छा ट्रिक जिससे आप मल्टीपल टैब्स को ओपन कर सकते हैं दूसरे विंडो में एक बार में. ऐसा नहीं कि एक एक करके आपको ड्रैग करना पड़ेगा. और लास्ट ट्रिक जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो शायद आप लोग सब भी जानते ही होंगे, जो आपका है इनकॉग्निटो मोड. उसके लिए आप यहाँ राइट क्लिक करके भी आ सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि न्यू इनकॉग्निटो विंडो आपको ऑप्शन होगा, या फिर आप डायरेक्टली शॉर्टकट लिख सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट और एन और आपका इनकॉग्निटो मोड ओपन हो गया. इनकॉग्निटो मोड में होता क्या है कि आपका हिस्ट्री सेव नहीं होता है, हिस्ट्री और कुकी ये सब सेव नहीं होता है. आप मॉनिटर उस वक्त भी हो ही रहे होते हैं. और एक और ट्रिक मैं जो आपको बताऊँगा वो है कंटेंट्स को सर्च करना किसी एक पेज में से. जैसे मैं अभी जाता हूँ कोई एक पेज पे, अब मुझे इस पेज में से इस कंटेंट को गूगल पे सर्च करना है. तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि इसे यहाँ से कंट्रोल सी कॉपी करते हैं, यहाँ ला के पेस्ट करते हैं और फिर हम सर्च करते हैं. तो ऐसा नहीं कर सकते हैं आप. और एक शॉर्टकट ये है कि आप उस कंटेंट को सेलेक्ट करके इस पर राइट क्लिक एंड सर्च गूगल फॉर इट, डायरेक्टली आप यहाँ से उसे सर्च कर सकते हैं. ये थे कुछ बहुत ही छोटे ट्रिक्स क्रोम में जो कि आपके प्रोडक्टिविटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा और ये बहुत ही इजी होगा वर्क करने के लिए क्रोम में. आप अगर आपको ये ट्रिक्स पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें.